ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ 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 ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ जरा सोचो कि तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी, तो कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता अगर किसी सुदूर पहाड़ी की तलहटी में होता तुम्हारा गांव? वहां रह रहे होते तुम घास फूस की झोपड़ी में। गाय घोड़े बैलों बकरियों के साथ, और तो और बुझने को आतुर डिबरी की रोशनी में देखना पड़ता भूख से बिलबिलाते बच्चों के चेहरे। तो कैसा लगता, कैसा लगता अगर मैं तुम्हारी तरह इसी कुर्सी पर डट कर बैठा चार लोगों के साथ चाय का आनंद ले रहा हूं। शर्मा जी चाय बहुत ही, और तुम वहां हाथों में हाथ डाल किसी गरीब भाषा में रिहा रहे होते किसी काम के लिए। बताओ ना कैसा लगता तुम्हें जब पीठ थपथपाने वाले हाथ अचानक बदल जाए मानसिकता की मात्रा को मापने के लिए, जब फोटो खींचने वाले कैमरे का फोकस फोटो की पपड़ियों से बेखबर केंद्रित हो जाए छाती के उभारों पर। सोचो कुछ देर के लिए सोचो, मगर सोचो कि अगर तुम किसी पंक्ति का हिस्सा होते और सबसे पीछे खड़े और सबसे आगे मैं होता, और तो और तुम मेरी जगह काले होते, चपटी नाक होती, फटी एडिया होती, और तुम पर इन सब बातों पर एक दूर खड़ा फप्ती कन जोरों से ठाके लगा रहा था। तो कैसा लगता तुम्हें, बताओ ना कैसा लगता? निन्न डन्न डिन्न डा ए ए निन्न डन्न डिन्न डा डा ओ ओ आ